आज यहाँ पे हम फाइनली कंपेयर करेंगे पोको X3 Pro को Realme X7 Max के साथ। एक में आपको MediaTek का Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलता है, दूसरे में आपको Snapdragon का 860 चिपसेट देखने को मिलता है। एक 5G है, एक 4G है, एक काफी बड़ा, एक काफी कॉम्पैक्ट फोन भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन यार एक में काफी ज्यादा प्राइस का गैप भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 10K का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस में कितना आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा ये आज की वीडियो में पता लगाएंगे। क्योंकि यार अगर आपने नहीं देखा है तो Snapdragon का यहाँ पे जो 860 है बहुत ही ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, जो प्राइस में आता है आपको उससे बेटर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। उसके सामने Dimensity का 1200 कितना टिक पाता है ये आज की वीडियो में हम जल्दी से पता लगाएंगे। दोनों में ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यार एक में AMOLED है, एक में आपको LCD देखने को मिल जाती है। कौन कितनी मजेदार है आज की वीडियो में पता लगाते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, प्लीज आप उस बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ जाए तो जैसे कि मैं कहता हूं यार बिना लाइक किए यार बिल्कुल भी मत जाना। सबसे पहले हम यहां पे रीस्टार्ट टेस्ट करके देखेंगे Realme UI वर्सेस MIUI 12 के अंदर। दोनों ही Android 11 के ऊपर बेस्ड यहां पे आपको रोम देखने के लिए मिलती है। देखते हैं कौन जल्दी से यहां पे बूट करके यहां पे आ पाता है। एंड यहां पे Realme UI ने कुछ ज्यादा ही जल्दी बूट कर दिया है और MIUI 12 हमेशा की तरह पीछे आपको देखने के लिए मिलेगी। दोनों के बैकग्राउंड से सभी ऐप क्लीन कर दिए हैं। दोनों ही 6GB के वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों को सिमिलर वाईफाई नेटवर्क से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे कि AnTuTu बेंचमार्क को कौन पहले यहाँ पे ओपन कर पाता है, किसका स्कोर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ओपन यहाँ पे यार Realme GT Neo या मैं कहूँ Realme X7 Max ने ओपन किया है और स्कोर भी आप देखोगे X7 Max का काफी ज्यादा आपको बेटर देखने के लिए मिलता है और दोनों ही अच्छे से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी प्राइस के हिसाब से तो अच्छा ही मिलता है। बाकी देख लेते हैं Geekbench को कौन जल्दी से लॉन्च करता है, और यहाँ पे तो यार X7 Max को ज्यादा ही जल्दी ओपन हुआ। अगर स्कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देख पाओगे काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मल्टी कोर में देखने के लिए मिल जाएगा Geekbench में, तो क्लियरली पता चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा परफॉर्मर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको सिमिलर मैंने वाईफाई नेटवर्क से दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। देख लेते हैं कौन कितनी अच्छी स्पीड यहाँ पे देख पाएगा अगर हम दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं स्पीड के मामले में। तो दोनों ही सेम सर्वर से कनेक्टेड है, तो लेट्स सी यहाँ पे कौन कितनी अच्छी से स्पीड दे पाता है। और एज एक्सपेक्टेड दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, तो स्पीड के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है। एक तरीके से मैं कहूंगा यार Poco X3 Pro में आपको एक अपर हैंड मिलता है क्योंकि इसके अंदर डुअल 4G प्लस वाला बैंड सपोर्ट करता है, जो कि आपको X7 Max या Realme के किसी भी डिवाइस में नहीं मिलता है। मिलता 4G प्लस जरूर है, लेकिन वो डुअल बैंड वाला नहीं मिलता है, तो स्पीड के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं देगा। बाकी बात करें CPU थ्रॉटलिंग की, तो MediaTek Dimensity में कितनी थ्रॉटलिंग होती है और Snapdragon के 860 में कितनी थ्रॉटलिंग होती है, दोनों को ही मैंने 15 मिनट के लिए टेस्ट किया था और सरप्राइजिंगली पता नहीं क्या हुआ क्योंकि यहां पे यार Snapdragon का 870 बहुत ही ज्यादा थ्रॉटल यहां पे कर दिया है। मेन रीजन मुझे इसका पता चला है वो है हीटिंग, क्योंकि इतने 15 मिनट में ही बहुत ही ज्यादा हीट हो गया था, 45-46 के अबव चला गया था, और वहीं पे ये Dimensity का प्रोसेसर काफी अंडर रहा, 40-43-44 ऐसे ही रहा और हीट बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस चीज में आप यहां पे देख पाओगे CPU थ्रॉटल यहां पे 62% ऑफ मैक्स परफॉर्मेंस टाइम्स हुआ है, बहुत ही बुरा यहां पे रहा है। बाकी यहां पे 83% रहा है, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा थ्रॉटलिंग यहां पे हुई है, वो चीज मुझे देख के यार अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। बाकी उसके अलावा बात करते हैं क्रोम की, यहां पे मैंने दोनों में एक सिमिलर एप्पल की वेबसाइट को ओपन किया हुआ था और यहां पे आप देख पाओगे कि बहुत ही जल्दी यहां पे Realme X7 Max ने लोड कर लिया है। दोनों को लेकर चलते हैं इंडियन वेबसाइट पे एंड यहां पे तो दोनों बराबर बराबर आए हैं। बाकी उसके अलावा जल्दी से बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले देखते हैं प्ले स्टोर को कौन जल्दी से ओपन कर पाएगा। यहाँ पर भी X7 Max आपको एनिमेशन जो है वो बहुत ही फास्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार एक ऐप को भी इंस्टॉल करके दिखाओ, तो दोनों में हम एक ऐप को इंस्टॉल करके देखेंगे कि कौन जल्दी से इंस्टॉल कर पाता है। काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है क्योंकि स्टार्टिंग में यार X7 Max ने पिकअप तो बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन आगे जाके यहाँ पे स्लो हो गया, जबकि X3 Pro ने यहाँ पे आगे ले लिया है। बाकी एंड में आके दोनों बराबर ही बराबर हो गए हैं, और लेकिन लीड फिर से X7 Max ने ले ली है और इंस्टॉल भी बहुत ही फास्ट कर दिया है। यहाँ पे यार Poco X3 Pro 91% पे अटक सा गया है, तो ये चीज एक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे, अब जाके यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। बाकी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम Amazon में, और ये आ गया यार Poco का पूरा एड वाला सेक्शन, चलो उसको हटाते हैं। बाकी बढ़ते हैं Amazon, लेट्स सी कौन जल्दी से ओपन कर पाता है। और यहाँ पर भी X7 Max आप देखोगे बहुत ही फास्ट ओपन होता है। देखते हैं Flipkart, और यहाँ पर भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, लेट्स सी यहाँ पे JioSaavn को, और यहाँ पर भी X7 Max बहुत ही फास्ट ओपन करता है। देखते हैं यहाँ पे Twitter को, एंड अगेन Twitter में भी कितना फास्ट ओपन हुआ है, यू कैन सी
तो बहुत ही फास्ट आपको यहाँ पे X7 Max देखने के लिए मिलेगा विदाउट एनी डाउट। देखते हैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम एंड हेयर ऑल्सो, देख लो कि इतना फास्ट में यहाँ पे काम कर रहा है यार। देखते हैं यहाँ पे प्राइम वीडियो एंड यस ओ माई गॉड, सबसे मस्त तो इसका एनिमेशन लगता है। देखते हैं हॉटस्टार, सी कितनी फास्ट यहाँ पे ओपन कर रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते होगे। बाकी यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम, लेट्स सी कौन जल्दी से ओपन करेगा, और यहाँ पे भी कितना फास्ट ओपन हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब एंड यूट्यूब भी कितनी जल्दी यहाँ पे आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले लोड करके आया है X3 Pro में, थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे हुआ है। बाकी यहाँ पे अब थोड़ा सा देखते हैं कि गेम में कौन ओपन कर पाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पल रन 2 को, और यहाँ पे भी देख पाओगे एनिमेशन वाइज भी ऐसे भी काफी जल्दी X7 Max यहाँ पे करता है ओपन। और यहाँ पे एक ये अटक गया है थोड़ा सा लोडिंग में आके X3 Pro, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे मुझे समझ में आई है, और इतना फास्ट तो नहीं है। ऑफ कोर्स प्राइस भी उतना नहीं है यार जितना X7 Max का आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यस यहाँ पे आपको विजेता जरूर से देखने के लिए मिल जाता है Realme X7 Max। बाकी यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐप को ओपन करूँ गेमिंग के बड़े बड़े, उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में क्या कोई ऐप बचे हुए हैं कि नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट पता कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हॉटस्टार, तो दोनों में ही हॉटस्टार ओपन है। देखते हैं प्राइम वीडियो, सो अगेन दोनों में ही ओपन है। देखते हैं टेलीग्राम, सो अगेन दोनों में ओपन है। देखते हैं ट्विटर, सो दोनों में ही यहाँ पे सेम ही ओपन है। देखते हैं यहाँ पे अमेजोन, दोनों में ही अमेजोन ने रीलोड लिया है। देखते हैं फ्लिपकार्ट, सो फ्लिपकार्ट भी दोनों में रीलोड ले रहा है। देखते हैं जियो सावन, सो यहाँ पे जियो सावन ओपन है, इसमें बंद हो गया है, तो दोनों बराबर ही चलते हैं। देखते हैं प्ले स्टोर, दोनों में ही प्ले स्टोर भी ओपन है। देखते हैं यहाँ पे क्रोम, सो क्रोम इसमें ओपन है, इसमें रीस्टार्ट ले लिया है। मोस्टली ऐप आप देखोगे X3 Pro में यार ऑलरेडी ओपन है, और यहाँ पे टेम्पल रन भी देख लेते हैं। सो सी यहाँ पे भी ओपन है यार, ओहो मेमोरी मैनेजमेंट तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया है यहाँ पे X3 Pro के अंदर। बाकी यहाँ पे आगे आते हैं जो Asphalt 9 गेम है, इसको ओपन करके देखते हैं, ये भी एक हैवी गेम है, कौन यहाँ पे जल्दी से ओपन कर पाता है। और यहाँ पे तो एकदम साथ साथ आए हैं भाई साहब दोनों लोग, तो यहाँ पे थोड़ी सी मजी चीज यार लग रही है मुझे, दोनों साथ साथ कैसे आ गए, क्योंकि ऐप ओपनिंग में तो यार पीछे हो गया था X3 Pro। उसके अलावा अब यहाँ पे हम COD को भी लॉन्च करके देखते हैं कि कौन जल्दी से लॉन्च कर पाएगा। ये एक और हैवी गेम आपको देखने के लिए मिल जाता है। Asphalt में तो दोनों बराबर बराबर आए हैं, देखते हैं COD में कौन बराबर यहाँ पे आता है। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि COD के अंदर चाहे PUBG हो या COD हो, दोनों में ही MediaTek Dimensity 1200 के अंदर आपको फुल सेटिंग अनलॉक नहीं देखने के लिए मिलती है, थोड़ी सी निराशा वाली बात है। बाकी यहाँ पे आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि X7 Max जो है पहले लॉन्च हो गया है, ज्यादा डिफरेंस इतना नहीं है कि बहुत ही स्लो लॉन्च हुआ हो, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे नोट करनी होगी। बाकी इन द एंड यहाँ पे हम एक काइनमास्टर के अंदर वीडियो को रेंडर करके देखते हैं कि कौन जल्दी से यहाँ पे रेंडर कर पाता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर या MediaTek का प्रोसेसर। दोनों में ही सेम वीडियो मैंने ले ली है, दोनों का ही साइज आपको यहाँ पे दिखा दूं सिमिलर है, दोनों में स्ट्रीम जो क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वो भी सिमिलर यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों में आप 4K में कर सकते हो। बाकी आओ देखते हैं कि कौन जल्दी से यहाँ पे कर पाता है, 1 2 3 गो। और यस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जीत जाता है। इसमें भी क्या मतलब है, मैंने इसके साथ एक 870 स्नैपड्रैगन के साथ भी यहाँ पे कंपैरिजन किया था, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पे रेंडरिंग हो गई थी, और यहाँ पे MediaTek Dimensity 1200 ने पीछे हो गया था। अगर आप देखोगे प्राइस के हिसाब से X7 Pro परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे यार MediaTek 1200 जो है Dimensity का, वो भी एक अच्छा परफॉर्मर मिलता है, बस प्राइस में अच्छे में आ जाए और यार इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है और अच्छा हो जाए तो आपको और मजा आएगा। वैसे बैकग्राउंड में यार Poco X3 ने इतने सारे ऐप्स कैसे रखे हुए, ये तो थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि Realme UI मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर है। आपने देखा होगा एक दो बार MIUI में आपको शटर्स वगैरह भी देखने को मिले, इतने ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन अच्छी चीज है यार दोनों इंप्रूव कर रहे हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप कोई और चीज दोनों के साथ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।